आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक और प्लांट की चर्चा करेंगे, देवदारु सिड्रस देवदारा पाइनेसी का प्लांट है मित्रों। और ये सुंदर ट्री आप देख रहे हैं, कई सारे औषधीय गुणों के लिए उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, इससे निकलने वाला एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा स्किन को रेमिडिएट करने में हेल्प करता है, घाव को भरने के लिए विशेष आवश्यक है। फंगल डिसऑर्डर्स, माइक्रोबियल डिसऑर्डर्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी कारण से घाव बन गया हो, गैंग्रीन की समस्या हो गई हो, उसको भी घाव भरने वाला होता है मित्रों। इसका तेल अगर सही समय पे सही मात्रा में अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाए तो उत्तम होता है और हीलिंग बड़ी फास्ट करता है। साथियों, इसका तेल काफ़ी इफेक्टिव है और कर्ण शूल जो होता है, कानों का जो दर्द होता है, कानों को दर्द को ठीक करने के लिए 2 से 3 ड्रॉप्स इसके तेल की कानों में डालने चाहिए, कानों का दर्द आसानी से ठीक हो जाता है, घाव को भर देता है, स्किन के प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला होता है। और कई सारी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में भी इसके तेल का उपयोग किया जाता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव का कार्य भी करता है, बहुत अच्छी उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं मित्रों। ये तो रही इसकी निकलने वाले तेल की बात, अब हम बात करेंगे इसकी छाल की। इसकी छाल का उपयोग हम एनाल्जेसिक के रूप में कर सकते हैं, पेन किलर होता है, साथ ही साथ ये हमारे सर के अंदर होने वाले दर्द को ठीक करने वाला होता है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर हमें सेवन करना चाहिए, माइग्रेन की समस्या को भी ठीक कर देता है, पेट की जुड़ी हुई समस्याएं, डायरिया, डिसेंट्री की समस्या, गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या, उनको भी ठीक कर देता है, बार बार होने वाले फीवर को भी ठीक करने का कार्य कर। काफ़ी अच्छी इसकी बार्क की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करने का कार्य करता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, डिमेंशिया की समस्या हो, मेमोरी लॉस की समस्या हो, हिस्टीरिया की समस्या हो, उनमें भी इसकी अच्छी उपयोगिता देखी जाती है मित्रों। आप देखेंगे कि इससे निकलने वाला गम, रेजिनस गम, ये देखिए इस तरह से यहाँ से इससे इसकी बार्क से निकल जाता है और यहाँ भी थोड़ा सा निकला हुआ है और इसको कट लगा के हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे हम जब कट लगा देते हैं तो ये इकट्ठा कर लेते हैं, कट लगाने का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है। तो इसके गम का हम बाइंडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो ना केवल एक बाइंडर है बल्कि हीलर भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं, सूजन को कम करने का कार्य करता है और पेन किलर का भी कार्य करता है, नेचुरल पेन किलर का कार्य ये करता है। मैं कहूँ ये एक ट्री जिसके अंदर एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती हैं। आप विभिन्न प्लांट पार्ट, इसके निकलने वाले, इसका गम, इसकी छाल और इसका एसेंशियल ऑयल हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसके जो आप निडल शेप्ड लीव देख रहे हैं, इनका हम इसके निडल शेप्ड लीव्स का उपयोग आप एंटी एजिंग एक्टिविटी के लिए, चेहरे की सुंदरता को बनाने के लिए उपयोग में आप ला सकते हैं। इसके इन्हीं एपिकल पोर्शन का, जिसके अंदर ये निडल शेप लीव्स होते हैं, इसका आप इन्फ्यूज़न बनाकर सेवन करते हैं तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करता है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जो होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज़ और इसके अलावा कई और फ्री रेडिकल्स को निकालने का कार्य करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। इसके इन्फ्यूज़न का जब आप सेवन करते हैं तो शरीर के अंदर पर्सपिरेशन बढ़ जाता है, हमें बहुत पसीने आते हैं और पसीने के माध्यम से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हृदय के अगर सूल हो रहा हो तो भी वो इन्फ्यूज़न कार्य करता है, वात और कफ से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक हो जाती हैं, बॉडी के अंदर जगह जगह होने वाला पेन वो भी ठीक हो जाता है और कई बार आर्थराइटिस की समस्या के कारण शरीर के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में पेन हो जाता है, सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ऐसी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। इसके लेटेक्स का, इसके निकलने वाले, माफ़ कीजिए, इससे निकलने वाला जो गम होता है
उसका उपयोग हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए भी हम लोग करते हैं। तो इसके सभी पार्ट औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं, बस आपको इसको अच्छे से जानना है और जानने के बाद अपने दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोग में इसको लाना है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो अवश्य साझा करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आप हमारी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए जो दी गई हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमसे आप ईमेल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टेलीफोन से भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर आपके अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी चर्चाओं के लिए कल फिर जुड़ेंगे 6:30 बजे। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।